हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्लस वन फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उसके यूनिट्स क्या होते हैं। जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसको यूनिट्स में लिखना होता है। लेट्स स्टार्ट। हम लोग नाइन्थ और टेंथ में एरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। एरिया क्या चीज़ होती है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को हम किस में लिखते हैं? मीटर में। लेंथ को किस में मेजर किया जा सकता है? मीटर में। सिमिलरली ब्रेथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर। मीटर इनटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्केयर। इसका मतलब एरिया का जो यूनिट होगा दैट इज मीटर स्केयर। सिमिलरली नेक्स्ट, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, या फिर आप लिख सकते हो एरिया इनटू हाइट। देखो, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट कैसे होगा? एम क्रॉस एम क्रॉस एम। एम मतलब मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। एम क्यूब। हमारा आंसर आ गया एम क्यूब। सिमिलरली अगला देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। लेंथ को मेजर करने का यूनिट होता है मीटर। टाइम है, और टाइम का जो मेजर करने का यूनिट है वो है सेकेंड। इट्स योर विश, यू कैन राइट मीटर पर सेकेंड, और चाहे सेकेंड को ऊपर लेके जाओगे तो उसकी पावर जो है वो माइनस में चले जाएगी। मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी ओवर टाइम। जो फॉर्मूलेज हैं यू हैव टू लर्न, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी के यूनिट्स क्या हैं? मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको ऐसे लिख लो, ईजी रहेगा, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। टाइम के यूनिट क्या होते हैं? सेकेंड। सेकेंड के साथ सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे आप इसे ऐसे लिखें, चाहे आप ऐसे लिख लें, इसको माइनस के पावर में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगला देखिए, एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, अब एंगुलर वेलोसिटी में ध्यान रखो, जब भी कोई चीज़ एंगल में दी होती है तो उसके सेंटर में जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है। इसका मतलब उसमें जितने भी डिस्टेंस होता है, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, वो क्या होता है? रेडियन में मेजर किया जाता है, थीटा में मेजर किया जाता है। इसलिए जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? डिस्टेंस ओवर टाइम। एंगुलर डिस्टेंस, एंगल होगा तो रेडियन में होगा, टाइम होगा तो सेकेंड में होगा। हम इसे लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन में भी आएगा एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। एंगुलर वेलोसिटी है, इट मीन्स रेडियन में मेजर होगा, तो रेडियन लिख दिया। टाइम है तो सेकेंड आ जाएगा, आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली डिस्टेंस, डेंसिटी देखिए, डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी बेसिकली होता है कितनी चीज़, गाड़ी है उसकी डेंसिटी कितनी है, कितना गाढ़ापन है, वो कितना होता है? मास ओवर वॉल्यूम। मास कितना है आपका? मास जो है उसके यूनिट्स होते हैं किलोग्राम, आप उसको किलोग्राम में मेजर करते हो। और वॉल्यूम क्या है आपका? वॉल्यूम आप ऑलरेडी मेजर कर चुके हो, एम क्यूब। हमारा यूनिट आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली मोमेंटम किसके इक्वल है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल है? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। बाकी के आप ड्राइव करके देखो कि आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये जो यूनिट्स है ये फिजिक्स में मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसके एंड में जो आंसर जो भी आएगा उसके पीछे आपको यूनिट्स लगाना कंपल्सरी होता है। फॉर एग्जांपल, आप यूनिट लगाना भूल जाएं तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाता है, ठीक है। एक आप नेक्स्ट समझ लो, प्रेशर। प्रेशर किसके इक्वल है? फोर्स ओवर एरिया। फोर्स जो है, फोर्स न्यूटन के, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन ने दिया था फोर्स का। इसके यूनिट्स जो हैं वो किस में होते हैं? न्यूटन में। दिस इज न्यूटन। एरिया क्या है? मीटर स्क्वेयर। आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। सिमिलरली जो एनर्जी होता है वो जाउल्स में होता है, ठीक है। करंट के जो यूनिट है वो एम्पियर है। बाकी सारे सेम यूनिट्स आ गए जो हमने ऊपर ड्राइव किए। ये वाले मुझे ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप खुद कर सकते हो, डन। ऐसे हमारे ये यूनिट्स आते हैं। ऐसे लेंथ के यूनिट नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ को और किस चीज़ में मेजर किया जाता है?
नंबर वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एस्ट्रो का मतलब होता है स्पेस, इसका मतलब हम स्पेस के यूनिट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। इसका मतलब सन और अर्थ के जो डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या फिर AU। ठीक है, सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मतलब बेसिकली ये लाइट्स के ही यूनिट है, मतलब लाइट के हम बोल सकते हैं इट इज़ अ यूनिट ऑफ लाइट। ठीक है, सो लाइट के ही यूनिट है। इसका मतलब 1.496 × 10^11 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर करेगी अगर लाइट, तो हमारा उसको हम उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, सो इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 1.5 × 10^11 मीटर। इसका मतलब अगर सूरज से, सन से अर्थ तक हमारी लाइट पहुंचेगी तो कितना मीटर डिस्टेंस उसको कवर करके आना पड़ेगा, 1.5 × 10^11 मीटर तक। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अ लाइट ईयर। दिस इज अ मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो लाइट ईयर क्या चीज़ होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर। एक साल में जो लाइट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वैक्यूम, वैक्यूम होता है ना तो हवा हो, वहाँ पे कुछ भी ना हो, बिल्कुल खाली होनी चाहिए, जो बिल्कुल खाली चीज़ होती है उसको वैक्यूम बोल देते हैं, मतलब हवा भी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो वैक्यूम के अंदर लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक साल के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइट ईयर। सो लाइट ईयर को कैसे मेजर करेंगे, आप लोगों ने ये चीज़ तो पढ़ी हुई है कि जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। सो हमें लाइट ईयर का डिस्टेंस पता करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो डिस्टेंस को इसी तरफ पड़ा रहने दिया, जो टाइम है उसको वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो वेलोसिटी कितनी है, हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड के। सो नेक्स्ट वन इज अ टाइम, तो टाइम हमने कितना लिया है, वन ईयर, तो लिख लिया हमने वन ईयर। देखिए हम ध्यान से इस वैल्यू को देखो, अब ये कैसे लिखिए, एक साल में कितने डेज होते हैं, 355 डेज, वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, 24 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, 60 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड। तो वन ईयर को हम सेकेंड्स में अगर लिख रहे हो तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इज दैट क्लियर। अब स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 9.46 × 10^15 मीटर। डन, सो इसके MCQs आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। तो वन मार्क्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन या टू मार्क्स का। अगर टू मार्क्स का आएगा तो हमें ये पूरी टर्म लिखनी पड़ेगी, अगर वन मार्क्स का आता है तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिखकर आ सकते हो। ठीक है, सो पूछ सकते हैं कि लाइट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस लाइक सेंटीमीटर, मीटर और किलोग्राम, किलोमीटर सॉरी। ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम लाइक सेकेंड, मिनट और डेज। ध्यान रखना जो लाइट है वो डिस्टेंस के यूनिट होते हैं, जो ईयर है हमारा साल है वो टाइम के यूनिट होते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा लाइट ईयर का टॉपिक था। सो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड वन इज अ परसेंट। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट एन आर्क ऑफ अ लेंथ equal to the one astronomical unit subtended an arc of 1 second। so इसे समझने के लिए पहले आप एक सर्कल बना लो। ठीक है, so circle का एक सेंटर बना लो O। so let this point is a A and this point is a B। so ये जो चाप लगी है इस चाप को हम बोलते हैं आर्क। ठीक है जी, so ये small radius है that is R। सो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है that is थीटा। so इस थीटा को, इस एंगल को कैसे मेजर करेंगे, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये आप 10th में आई थिंक मैथ्स में पढ़ चुके हो कि थीटा को कैसे मेजर करते हैं, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। डन, सो आर्क डिवाइडेड बाय, हमें यहाँ से रेडियस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है मतलब रेडियस निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो रेडियस किसके इक्वल आएगा, आर्क डिवाइडेड बाय थीटा। सो थीटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अब ध्यान से पढ़िए, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ तो आर्क आ गया, इज इक्वल टू
आर किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब्टेंडेड बाय एट एंगल ऑफ वन सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल थीटा बन रहा है वो कितने का बन रहा है, वन सेकेंड का, वन डिग्री का एंगल बन रहा है। सो एंगल इन अ सेकेंड ऑफ आर का, ठीक है, इसको सेकेंड में लिखते हैं। सो इसको अब ध्यान से समझो, यहाँ पे सन है, यहाँ पे क्या है, अर्थ है। अगर सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कैसे मेजर करते हैं, 1 AMU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, ठीक है। अब सपोज करो कोई भी दूर कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, लेट अस सपोज कि इट इज स्टार। सो स्टार से लेके सन तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, परसेंट, इसको हम बोलते हैं परसेंट। सो इसको कैसे मेजर करते हैं, इस वाले एंगल से, थीटा से। सो थीटा किसके इक्वल आ रहा है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, यहाँ से हम रेडियस निकाल रहे हैं। सो ध्यान से देखिए, वन डबल डैश, अगर वन डैश है तो वन डैश का मतलब होता है कि हम 1 मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। 1 मिनट को अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो तो हम लिख सकते हैं 1/60 degree, डन। सो 1 मिनट में हम कितने होते हैं, 1/60, ठीक है जी। सो सिमिलरली अगर 1" लेके, इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड के बारे में। सो 1 सेकेंड को हम कैसे लिखेंगे, 1/60 × 1/60, दैट इज 1/3600 degree, डन। तो ये चीज़ आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो कि ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 1/36 degree। सो ध्यान से देखिए, 1/36 degree आ गया, लेकिन ऊपर हमारा क्या है, आर्क किस में आ रहा है, मीटर में। आर्क का, आर्क किस इसके इक्वल होता है, 1 AMU। AMU का आंसर हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारा आंसर कितना आया था, 1.5 × 10^11 meter। सो मीटर और डिग्री का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, डिग्री को कन्वर्ट करने लगे हैं रेडियन में। हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था रेडियन क्या चीज़ होती है, रेडियन और स्टे रेडियन में भी आपको याद होगा, ठीक है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई डिवाइडेड बाई 180 × 1/36। सो ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। सो इसको हम पुट करेंगे 1" में, और AMU का आंसर हमारा ऑलरेडी पीछे हम ड्राइव कर चुके हैं, तो दोनों की वैल्यू सॉल्व करो, आपका ये आंसर आ जाएगा फाइनली। सो जब आप पाई की वैल्यू करोगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 और 22/7, एज योर विश, चाहे आप 3.14 पुट करके देख लीजिए, चाहे आप 22.7 पुट करके देख लीजिए, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन स्टार इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन परसेंट। सो जब भी हम स्टार्स की बात करते हैं तो उसकी डिस्टेंस की बात करते हैं, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, परसेंट पे, डन। सो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइट ईयर ही है, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस लाइट ईयर पे ही करोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, स्मॉल यूनिट्स। सो स्मॉल यूनिट्स फिजिक्स में और भी बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स हैं जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो चैप्टर है ये यूनिट्स में, फॉर एग्जांपल जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं उसके यूनिट्स कितने लगने हैं, क्या लगना है, या MCQs, ऐसा ही कुछ इसमें आएगा। इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि अगर आपको 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, 4/100 meter में कन्वर्ट कर देते हो, ऐसे ही करते हो, तो आप क्या करते हो, 0.04 meter। बट अब आप बड़ी क्लासेस में ही हो चुके हो तो आपको थोड़ा सा मेथड चेंज करना पड़ेगा। सो आप क्या करोगे, अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में लिखना है, तो आप क्या करोगे, 4×10^-2 meter। इट्स योर विश, जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो आप ये वाला मेथड अप्लाई करो चाहे ये वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप बड़ी क्लासेस में हो चुके हो तो आपको मेथड पता होना चाहिए कि आपने कैसे उसको लिखना है। नेक्स्ट वन इज़ अ मिलीमीटर। मिली होता है 1 मीटर में, अगर 1 मिलीमीटर है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/1000 meter। इसका मतलब इसके ऊपर 3 zeros है, 10^3 meter। अगर 3 ऊपर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10^-3 meter। इसका मतलब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 10^3 के साथ। माइक्रो इज़ अ मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इन फिजिक्स।
माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6 के साथ। नैनो मतलब नैनो होता है बहुत ज़्यादा छोटा, दैट इज़ 10^-9। एस्ट्रो मतलब इसके ऊपर एक यूनिट आएगा ए, ठीक है, 10^-10 मीटर। पिको में होता है 10^-12 और फेरो में होता है 10^-15। डन। सो हो सकता है आपको 1 मार्क्स का कोई MCQs आ गया, फिलिंग द ब्लैंक आ गया, हो सकता है वहाँ पे लिखा आ जाए कि 1 माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करो फेरोमीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10^-6 मीटर। डन। अब इसको फैरो में कन्वर्ट करना है, तो अब ध्यान से देखिए, अगर फैरो को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10^-15 से। अब यहाँ पे क्या है, मीटर को फैरो में कन्वर्ट करना है, फैरो में, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा आ गया, मीटर को फैरो में, तो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 10^15 के साथ, -15 के साथ। अगर फैरो को ध्यान से सुनो, फेरोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 10^-15। अगर मीटर को फेरोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 10^15, ठीक है। प्लस माइनस का समझ लग गया आपको, 15 में से 6 निकाल दो तो आ जाएगा 10^9। अब निकालना था फेरोमीटर, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो इस तरह से आपको कोई भी न्यूमेरिकल, छोटा सा कोई वैल्यू या यूनिट्स चेंज करने के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको इस टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।